आ चुके हैं, मिल के जाइए मेरे साथ, क्या किए हैं आज मिल के जाइए, बोल के जाइए मुझे क्यों बंद करके गए थे बाथरूम में। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक हैं। तो अभी मैं छत आई थी, जैसे कि आप लोग पिछला ब्लॉग में देखे थे, यहीं से मेरा पिछला ब्लॉग एंड हुआ था। तो अभी फिर से मैं अपना ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। आज है वेडनेसडे और अभी का टाइम हो रहा है 3 बज चुका है, धूप बहुत ज़्यादा तेज है और कपड़ा भी मेरा सूख चुका है। तो मैं आ गई थी छत पर, बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि सब कपड़ा जो है नीचे गिर गया था, एक एक उठाई और गंदा भी हो गया था। पता है क्लिप भी है मेरे पास पर मैं क्लिप नहीं लगाती हूँ, भूल जाती हूँ एक्चुअली, छत लाना भूल जाती हूँ तो फिर गिर जाता है और मुझे ऐसे ही परेशान होना पड़ता है। तो अपने ही गलती करती हूँ, फिर सुधारेगा कौन? तो जब तक खुद परेशान ना होंगी कल लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे थकान महसूस हुआ। तो तबीयत भी परसों थोड़ा सा ठीक नहीं था, आज ठीक है, मतलब कल ठीक नहीं था, आज ठीक हूँ मैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे और आप लोग साथ में बने रहिए। देखिए अभी से मैं अपना ब्लॉग को शुरू कर रही हूँ, तो क्या क्या कर रही हूँ आज, स्पेशल क्या है क्या नहीं, आप लोग को वीडियो में पता चल जाएगा। आगे आगे बने रहिए और अगर चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन न पाने के लिए बेल आइकन में ऑल कर दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप हर आने वाला वीडियो का मजा ले सकेंगे। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी दिया हुआ है, कुछ पुराने वीडियोस का भी लिंक दिया हुआ है। आप लोग अगर नहीं देखे फटाफट से जाइए उसको चेक कर लीजिए, बट ये वीडियो देखने के बाद जाइए। तो चलिए साथ में बने रहिए, देखिए अभी से क्या क्या कर रही हूँ। मैं भी छत से आई और थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई कि अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो अभी क्या हुआ पता है मेरे साथ? इनको पता नहीं है, ये यहाँ पर चेंज करने आए थे और उनको पता भी नहीं था कि मैं बाथरूम में हूँ। और दिखाती हूँ आप लोगों को क्या हुआ है। ये देखिए ये सब खुली हुई है, ये लॉक नहीं है, पर बाहर से ये मुझे लॉक करके चल गए हैं। तो क्या करूँगी मैं अभी, पता नहीं बेटी अगर मुझे वो ढूंढते हुए आती है तो फिर वो आवाज़ लगाएगी और पता नहीं क्या होगा अब मेरा, नहीं तो वेट करना पड़ेगा मुझे। अभी बज रहा है 3:15 और ये आते आते हो जाता है, आप लोगों को तो पता है 5 हो जाता है, तब तक नहीं तो मुझे यहीं पर रहना होगा। देखती हूँ एक बार इनको कॉल करूँगी, कॉल करने से फिर वापस उनको आना पड़ेगा। तो चलिए मैं सो जाऊँ, पानी भी नहीं लाई हूँ अभी मैं, देखा जाए क्या होता है। और मैं अभी थोड़ा थोड़ा काम भी कर लेती हूँ, या जब लॉक हूँ तो क्या करूँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लॉक तो करके चल गए हैं, कोई बात नहीं। हंसी भी आ रही है, मुझे आवाज़ लगाना चाहिए था एक्चुअली, तो उनको पता ही नहीं चला ना कि मैं अंदर हूँ बाथरूम में, वो सोच रहे हैं कोई नहीं है तो फिर वो लॉक करके चल गए। तो चलिए मैं सब फोल्ड कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। क्या हुआ? अंदर आप कैसे अनलॉक? हम मैं अंदर कैसे अनलॉक? तुम्हारे पापा मुझे बंद करके चल गए थे, मैं तुमको आवाज़ लगाई इसलिए। कब? नहीं सुनाई दिया है तो तुम कैसे आई? चलो तुम आई मैं बच गई, थैंक यू, वेलकम। अच्छा लग रहा है चोटी तुम्हारा, मैं बना दी थी ना, खोल दी, जूड़ा में ही था, ठीक था। अच्छा जाओ जाओ जाओ। रिलैक्स होकर सो पाऊंगी, मेरी बेटी आके मुझे खोल दी तो फिर उसको वॉशरूम जाना था, यही सोच रही थी मैं कि वो आएगी तो खोल देगी। और उसका पापा को भी फोन की बेटी आने के बाद ही कि आप मुझे लॉक करके चल गए हैं, तो बोलते हैं कि कहाँ थी तुम? तो मैं उनको बोली कि मैं वॉशरूम में थी। तुमको बोलना चाहिए ना यार, ऐसा बोलते हैं, कैसे बोलूँ अब मुझे, कैसे पता चलेगा कि आप मुझे बंद करके रूम में चल गए हैं? और फिर वो वापस आने के बाद तो आप लोग ही देखे कि लॉक था, तो मुझे लगा इसका वीडियो बनाते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद रहे। और फिर बोलते हैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ, तो नहीं तब तक बेटी आकर खोल दी थी, तो फिर मैं उनको बोली नहीं बेटी आ गई है और आके मुझे खोल दी, तो बोले रिलैक्स हुए। तो चलिए सॉक्स पहन के पहन के जाओ, कर ले रुसू, पहन के क्यों जाओ, फिर ऐसे मन कर रहा है जा, ठंडा भी है, पूरा ठंडा पार हो गया, उसको ठंडा नहीं लगा अभी, उसको ठंडा लग रहा है, शू पहन कर खेलने जाएगी, बोलते हैं स्लीपर पहनती है।
उसका साइकिल ना अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जा रही हो अभी, लाइट ऑफ करो ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, फिर उठने के बाद मैं आप उसे मिलती हूँ और क्या करूंगी क्या हूँ। हाँ फिर से लॉक करके ले जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, फिर से अब इसकी बारी है, बोलती है कि फिर से लॉक करके ले जाऊँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ आधा घंटा, जैसे अब रिलैक्स होकर रेस्ट ले पाऊंगी, आधा घंटे जैसे रेस्ट ले लूंगी, फिर उठने के बाद क्या कर रही हूँ क्या नहीं फिर दिखाऊंगी आप लोग को। चलिए बने रहिए वीडियो में। अभी अभी जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट लेके उठी, सोई नहीं थी, बस ऐसे ही लेटी हुई थी और मोबाइल देख रही थी। तो अभी मैं करूंगी थोड़ा सा कंघी, क्योंकि बाल सब बिखर गया है और थोड़ा सा फेस भी धोना पड़ेगा अभी, और थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगी क्योंकि ये आएंगे कुछ टाइम बाद और चाय बनाऊंगी इनके लिए। तो चाय के साथ कुछ बनाना पड़ेगा आज, सोच रही हूँ कुछ बना दूंगी जैसे शाम का स्नैक्स में। क्या बनाऊंगी आप लोग को दिखाऊंगी, बस अभी थोड़ा सा पहले कंघी हो जाए उसके बाद। मैंने आज मेरी बेस्ट फ्रेंड ने फ़ोन की थी, उस दिन भर थोड़ा सा बात हुआ, वो बुला रही थी, उसके वहाँ कुछ पूजा है तो फिर बुला रही थी। देखती हूँ अगर जा पाऊँगी तो आप लोग के साथ ब्लॉग जरूर से शेयर करूँगी। मुझे नहीं लग रहा है कि जा पाऊँगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, आगे पता चलेगा जा रही हूँ या नहीं। और डेट थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो इसी वजह से कहीं और भी जाना है, तो क्या कैसे करेंगे ये आ जाएं, इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं इस बारे में। अभी थोड़ा सा लेट है, कुछ दिन बाद है उसके वहाँ पूजा, तो चलिए पहले कंघी कर लेती हूँ फिर जाऊँगी किचन में। ये बन गया मेरा चोटी, बस हो गया, अब मुझे लगाना है खिड़की और उसके बाद फिर सस करूँगी और जाऊँगी यहाँ से। ये आ चुके हैं, मिल के जाइए मेरे साथ, क्या किए हैं आज मिल के जाइए। हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है, नहीं बोल के जाइए। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, बोल के जाइए। मुझे क्यों बंद करके गए थे बाथरूम में? अरे यार गलती से गए थे। हुआ किस बात की गलती, आपको पता नहीं चलता है, पानी का आवाज नहीं आता है? शर्म से मेरा सर झुका जा रहा है। हाँ एक्टिंग बाज, बंद करके चल गए थे, कुछ देर बाद तो बेटी आई। अब तुम बिना आवाज दिए अंदर आओगे, मेरा क्या कसूर है? हमको क्या पता कि आप आके हमको बिना आवाज दिए चल भी जाओगे। तुम बिना आवाज दिए क्यों रहोगे? देखिए हमको लगा रूम खुला हुआ है भाई, लगा दे। हम लगा दिए। देखे तब मेरा जो ठीक है ना। और कितना देर तक बंद थी पता है? अभी अभी मैं निकली हूँ वहां से। झूठी, 5 मिनट नहीं गया है, बेटी खोल दी थी। खोल दी थी मैं, तभी आप लोग को बता दी थी कि बेटी तुरंत खोल दी, और इनको भी मैं वहां फोन करके बता दी, इसी वजह से इनको बताया, बना कैसे पता चलता। तो अभी मैं उनके लिए चाय बनाऊंगी, ये आ गए हैं। चलिए जो भी है, मैं बंद तो नहीं रही, घुटन महसूस होता है ना बंद हो जाने से, फिर क्या है खिड़की बड़ा बड़ा है, खिड़की को खोल दीजिए आराम से, आपको रहना। तब मेरा रेस्ट करने का टाइम था, इसी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं बंद भी रहती। तो चलिए मैं इनके लिए थोड़ा चाय बना देती हूँ। मैं उनको अभी चाय देकर आई, और वो बोले पहले चाय दे दो फिर जो बनाना है बनाते रहना, फिर दोबारा चाय पिएंगे, पर उसके लिए ये करना होगा कि उनके लिए दोबारा मुझे चाय बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना लूंगी फिर से। तो अभी मैं बना लेती हूँ, पहले क्या बना रही हूँ आप लोग को दिखा देती हूँ। मैं सुबह ना इडली बनाई थी, तो उसका बैटर आप लोग को बता रही थी ना कि रखी हुई हूँ, थोड़ा सा उड़द का बैटर, वो थोड़ा सा थिक करना पड़ता है। तो कैसे क्या करना पड़ता है आप लोग देखिए, अभी मैं उसको ले आई हूँ, फ्रिज में नहीं रखी थी, बाहर ही डाइनिंग के ऊपर रखा हुआ था। तो चलिए देख लीजिए इसमें मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या स्पेशल बना रही हूँ। एक्चुअली बता भी देती हूँ वो चीज़ क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ उड़द दाल का बरा, तो वो कितना टेस्टी होता है, कितना क्रंची होता है, वो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं, आप लोग भी देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं उड़द को पेस्ट बना कर रखी हूँ, कुछ इस तरह का है, ये थोड़ा थीक रहता है तभी जाकर हम लोग बरा बनाएंगे, तो इस तरह का रहेगा। और इसको हम लोग फेंट फेंट कर पूरा हल्का बनाएंगे, जैसे बरी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से फेंट कर हल्का बनाएंगे, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ उड़द का बरा बना रहे हैं, तो फिर इसमें और सूजी वगैरह कुछ मिलाएंगे नहीं। तो देखिए ये हो गया, हम लोग फेंट लिए हैं और हल्का हो गया है, तो कलर से ही पता चल रहा है। और इसमें अब मैं मिला दे रही हूँ हरी मिर्च को कटा हुआ, साथ में
एक से ज़्यादा था प्याज, मतलब डेढ़ जैसे हो जाएगा प्याज, और साथ में कद्दूकस किया हुआ अदरक, और हाथ में रगड़ कर मैं डाल दूँगी इसमें साबुत जीरा, और साथ में नमक जब हम लोग फेंटते हैं तभी डाल देते हैं। और देखिए अभी इन सारी चीज़ों को हम लोग मिला देंगे। इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ का यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो हमने इसको भी 2 मिनट के लिए फेंट लिया प्याज वगैरह डालने के बाद, और मैं थोड़ा सा इसमें अभी डालकर देख रही हूँ कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। तो अभी पता चल रहा है कि ऑयल गर्म नहीं हुआ है, तो फिर जैसे ये अच्छे से गर्म होगा ऑयल फिर मैं दे दूँगी एक एक करके छोड़ूंगी। तो यहाँ पर मैं बड़ा का सेप देकर बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो पूरा, अगर इस तरह का सेप नहीं हो रहा है ना तो फिर पूरा राउंड सेप ही बना सकते हैं, ऐसे ही गोल कर सकते हैं। तो देखिए मैं बड़ा का सेप डाल दे रही हूँ, पर मेरे से भी इतना अच्छा परफेक्टली जैसे दुकान में मिलता है ना वैसे तो नहीं हो रहा, फिर भी कोशिश कर रही हूँ उस तरह का सेप देने के लिए। तो चलिए अभी तो हम लोग का बड़ा एक एक करके मैं फ्राई कर ले रही हूँ, और आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही हम लोग ऑयल में इसको देते हैं ना, तो अगर अच्छे से आप लोग फेंटे हो गए तो फिर आपका बड़ा जो है वो फूल जाएगा और बहुत ही ठीक हो जाता है। तो मैंने छोटा छोटा ही डाला था इसमें, और ये फूल कर कितना बड़ा हो गया है। तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्रंची क्रंची होता है। तो हम लोग इसको फटाफट से बना लेते हैं, और हो जाने के बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ कितना क्रंची बना है। थोड़ा सा लॉक कर देते हैं, बना इसका पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोग कर लिए बड़ा खा लिए जो मैंने बनाया था, अच्छा बना था, और आप लोग भी बना कर इसे खा सकते हैं। तो अभी वो कर रही है पढ़ाई यहाँ पर, इसके बाद इंग्लिश। हाँ, तुम जो करना है करो, पर हैंडराइटिंग लिख लो। यहाँ पर बहुत खराब हो रहा है तुम्हारा हैंडराइटिंग, दिखा दूँ सबको? दिखा दूँ? हाँ। दिखा दूँ? दिखाना ही पड़ेगा आप लोग को, एक बार छुपके से दिखा दूंगी इसका हैंडराइटिंग कितना खराब लिखती है। ठीक है, मूड में रहेगी ना तो बहुत अच्छे से बनाएगी, मतलब लिखेगी, बना इससे इतना खराब कर देगी। ओ लड्डू, लड्डू बड़ा खाए मन नहीं भरा, लड्डू चाहिए फिर। तो फिर हम लोग ले लेंगे एक एक। हा? नहीं, मुझे एक दो साइज यहाँ पर रखी हूँ इस तरह से भर के डब्बा में, ले लीजिए। ये पता नहीं चल रहा है, लग रहा है ना, डब्बा से महक आ रहा है। चेन्नई लोकेट। एक मिनट, उसको मैं लिखा देती हूँ आंसर, फिर मिलती हूँ। चलिए, आप लोग से बात नहीं कर पाई थी और, क्योंकि फिर डिनर बनाने रह गई, और उसके बाद इनको थोड़ा सा आज ना तबीयत खराब लग रहा है। अभी कंटिन्यू हम लोग के घर में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो अभी ये रेस्ट कर रहे थे तो इनको जगाकर फिर कुछ थोड़ा सा खिलाई, क्योंकि मेडिसिन देना है उनको। मेरा जैसे सिर दर्द कर रहा था उनका भी वैसे ही हो रहा है। तो देखते हैं, अभी मैं तो आज पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, मुझे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो चलिए, और वीडियो को ना कंटिन्यू नहीं कर पाई, बस यही वजह था। और उसके बाद जैसे काम था वो तो होता रहा, फिर अभी हम लोग खा लिए हैं और मैं आ गई हूँ रूम, क्योंकि बेड को सेट करना है, क्योंकि पूरा बिखरा पड़ा है। रात को सोने से पहले जैसे सबको ही क्लीन करते हैं हम लोग, वैसे ही करते हैं, मतलब मैं कर लेती हूँ। तो फिर आ गई हूँ, बेटी उसके पापा के साथ उस रूम में है, वो आएगी। तो ब्लॉग को एंड भी करना था, तो लगा चलो भाई कैमरा को हाथ में उठाया और याद आया कि चलो अभी आप लोग को गुड नाइट कर देते हैं, ब्लॉग को एंड कर देते, तब जाके ये पोस्ट हो पाएगा कल। तो ठीक है, आप लोग को गुड नाइट। नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।